शुवाइज, सैटर्न और जुपिटर का जो आपके बर्थ चार्ट में रोल है, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये काल पुरुष की कुंडली में 9th और 12th हाउस जुपिटर को दिया गया है, 10th और 11th हाउस सैटर्न को दिया गया है, और अगर किसी के बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है तो ये एक राजयोग का निर्माण करता है। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जुपिटर के बारे में कुछ बताया, अब मैं आपको सैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन दो प्लैनेट्स का एक ह्यूमन की लाइफ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। सो गाइस, सैटर्न जहाँ तक आपके 10th और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस है आपके पिता का, 10th हाउस है आपके कर्म का, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, 11th हाउस है आपके गेन्स का, 11th हाउस है आपके स्पिरिचुअलिटी का, आपके इंट्यूशंस का, आपके एल्डर सिबलिंग्स का, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेज एंड डिज़ायर्स का। तो आप देखें, ऋषि मुनियों ने जो एक अपना एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया तो 9th, 10th, 11th और 12th हाउस जुपिटर और सैटर्न को दे दिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो 70% जुपिटर और सैटर्न के जिसको बोलते हैं कि इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है, या आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न एक दूसरे पे आस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव योग है। आप ये देखें, जुपिटर से जो हम नॉलेज लेते हैं वो बुक्स की नॉलेज होती है या फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हमारे मॉरल वैल्यूज़, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, ये सब जुपिटर है। सैटर्न क्या है? सैटर्न है प्रैक्टिकल नॉलेज। आप अपने डेली की हार्डवर्क से, स्ट्रगल से जो आप नॉलेज ले रहे हो वो सैटर्न है। आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि आप देखें कि कितनी दो पावरफुल जो प्लैनेट हैं, जुपिटर और सैटर्न, इनका कितना गजब कॉम्बिनेशन है। जुपिटर क्या है? जुपिटर है आपकी बुक्स की नॉलेज। अगर आप एजुकेटेड हो, आपने एमबीए कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, वो जुपिटर है। एक वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो सैटर्न से ब्लेस्ड है। आप ये समझ के चलें, काम दोनों प्लैनेट का एक जैसा है लेकिन तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। सैटर्न आपको जिंदगी की जो स्ट्रगल है उसके बहुत पास ले जाकर कुछ सीखने में हेल्प करता है, और जुपिटर आपके जो फैमिली वैल्यूज हैं, जो आप अपने पिता से, अपने दादा से सीखते हो, आपके संस्कार जो हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जुपिटर का काम है आपकी फैमिली के मॉरल वैल्यूज को लेकर आना, सैटर्न का काम है आपके स्ट्रगल से आप क्या सीख रहे हो। आप ये समझ के चले, जुपिटर का अपना रोल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, सैटर्न का अपना रोल है, लेकिन अगर किसी के बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है तो आप ये समझ के चले कि उस आदमी का भाग्य और कर्म जो है, उसका लेवल जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। वो ज़िंदगी में धर्म से भी जुड़ा रहेगा, कर्म से भी जुड़ेगा, हम कह सकते हैं कि पैसा भी कमाएगा, फॉर्चुनेट भी होगा, जिसको हम बोल सकते हैं उसकी विशेष पूरी होंगी, क्योंकि 9th और 11th का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन गया। हम ये भी कह सकते हैं कि जुपिटर मोक्ष प्राप्ति का भी कारक है, 12th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर मुझे जो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं वो जुपिटर सैटर्न के 9th, 10th और 11th, 12th हाउस के, जिसके भी बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है, गाइज आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कुछ खास मिशंस पे इस धरती पे आए हो। आप धर्म कर्म के साथ भी जुड़ोगे, आप सोशल वर्किंग का काम बहुत करोगे। जिनका जुपिटर सैटर्न इकट्ठा होगा, दे आर सोशल वर्कर, वो इंसान को लेकर, इवन मैं बोल सकता हूँ दे आर वेरी केयरिंग। अगर वो अपने सामने, अपनी सराउंडिंग में किसी नीडी पर्सन को देखेंगे, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प दैट पर्सन, बिकॉज जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है। आप ये समझ के चलें, ऐसे लोग हमेशा सोशल वर्किंग में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। आप ये समझ के चलें, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है, उनके पास, अगर यहाँ पर जुपिटर डोमिनेट कर रहा है तो उनके पास बहुत ज़्यादा बुक्स की नॉलेज होगी, दे यू कैन से दे आर वेरी एजुकेटेड। लेकिन अगर सैटर्न डोमिनेट कर रहा है, वो बंदा ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, लेकिन उसके पास जो नॉलेज होगी वो जुपिटर से भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसने जो नॉलेज ली है अपनी स्ट्रगल से ली है, उसने जो नॉलेज ली है अपनी हार्डवर्क से ली है। सो गाइज, यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट फॉर जुपिटर एंड सैटर्न। क्या आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है? क्या एक दूसरे का आस्पेक्ट का रिलेशनशिप बन रहा है? सो गाइज, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव इन योर लाइफ, स्टे हैप्पी, Enjoy New Year, because 2020 आ रहा है, आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं, विशेज हैं, एंड ऑलवेज बी विद एस्ट्रोलॉजी विद अमित कपूर। सो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।